नमस्कार, मैं विश्वजीत प्रधान। अपनी सोच को बदलें और बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी बेटी पैदा हो। नमस्कार। अपनी सोच को बदलें और बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी एक बेटी पैदा हो। हर इंसान ने याद रखना चाहिए कि उसको पैदा करने वाली माँ भी एक बेटी है। बेटियों को जीने दो, ये उसका हक है। क्या पता कल तुम्हारे घर में भी कोई बेटी पैदा हो। बेटियों को जीने दो, ये उनका हक है। आपकी माँ भी किसी की बेटी थी। सोच को बदलें। अपनी सोच को बदलें और बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी बेटी पैदा हो। बेटियाँ अनमोल होती है। सेव द डॉटर। अपनी सोच बदलें और बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी बेटी पैदा हो। हाय, आई एम हैरी जॉश, एक्टर। मैं आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे देश में चल रहा है कि देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अपनी सोच बदलें और बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी बेटी पैदा हो जाए। अपनी सोच को बदलें और बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी बेटी पैदा हो। अपनी सोच बदलें और बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी बेटी पैदा हो। अपनी सोच बदलें और बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी एक बेटी पैदा हो। अपनी सोच को बदलें, बेटियों को जीने दें, क्योंकि ये उनका हक है। कल हो सकता है आपके घर में भी बेटी पैदा हो। जय हिंद। अपनी सोच बदले, अपनी बेटियों को जीने दे, क्या पता आपके भी घर में बेटी पैदा हो। अपनी सोच को बदले, बेटियों को जीने दे, ये उनका हक है। क्या पता कल आपके घर में भी बेटी पैदा हो। जय हिंद। जय हिंद। अपनी सोच को बदले और बेटियों को जीने दे, क्योंकि हमारा हक है। होना हो शायद कल आपके घर में भी बेटी पैदा हो सकती है। शुक्रिया।